हे गाइस, क्या आपने सीक्रेट का लेटेस्ट एडिशन खरीदा? क्या आप ओरिएंटल ट्रेंड इशू खरीदने की सोच रहे हैं? मैंने खरीद लिया है। पहले मैं रॉयल मैगजीन खरीदने जा रहा था, लेकिन सीक्रेट के फ्रंट कवर को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया और फिर मैंने सीक्रेट मैगजीन ही खरीदी। इस बार सीक्रेट बहुत सही मैगजीन लेकर आया है। सच में अगर आप नहीं खरीदोगे तो बाद में रिग्रेट फील होगा। खास तौर से सीक्रेट का फ्रंट कवर पेज कमाल का है। चारों तरफ सिर्फ सीक्रेट मैगजीन के नए एडिशन की ही बात हो रही थी। सीक्रेट ने अपना न्यू एडिशन लॉन्च कर दिया था। इस नए वर्जन का नाम था ओरिएंटल ट्रेंड। पिछले कई बार से सीक्रेट का मार्केट में हाल काफी खराब था, लेकिन इस बार ब्लैक एंड व्हाइट फ्रंट कवर पेज के साथ सीक्रेट ने धमाल मचा दिया था। मात्र 3 दिनों के अंदर ही कई न्यूज एजेंसियों ने सीक्रेट से कॉन्ट्रैक्ट करके इसकी और भी कॉपीज प्रिंट करने की रिक्वेस्ट कर दी थी। वो चाहती थी कि ये मैगजीन बड़े स्केल पर लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी न्यूज बाइट्स मिल सके। वहीं अब तक जिन कंपनियों को सीक्रेट से कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। इसी समय सीक्रेट के फ्रंट पेज पर छपी मॉडल को लोग इंटरनेट पर धड़ल्ले से सर्च करने लग गए थे। इंटरनेट पर सीक्रेट ओरिएंटल ट्रेंड, सीक्रेट ओरिएंटल वुमन और ओरिएंटल वुमन टीना टॉप सर्च रैंक पर थी। 3 दिन में ही सीक्रेट मैगजीन ने सेल के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनका ये ओरिएंटल ट्रेंड सबसे ज्यादा बिकने वाला एडिशन बन चुका था। आज से पहले सीक्रेट को कभी इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। उधर यूसुफा को इसके लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार था। वो इस मैगजीन के रिजल्ट को जल्द से जल्द टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के जजेस को दिखाना चाहती थी। लेकिन उस रात प्रीति काफी देर तक सर्च इंजन पर यूसुफा का नाम सर्च करती रही, लेकिन कहीं भी उसका नाम सीक्रेट मैगजीन के साथ नहीं आया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मॉडल मैगजीन के फ्रंट कवर पर आ रही है और उसका नाम तक इंटरनेट पर मौजूद नहीं है? आखिर टीना ने क्या गुल खिलाया है? प्रीति ने इस बारे में यूसुफा को अभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अभी अपनी एंगेजमेंट की तैयारी में बिजी है। प्रीति ने खुद ही इसकी जांच शुरू की। उसने हाथ में मैगजीन लेकर देखा तो वहां पर टीना और यूसुफा दोनों की फोटोज एक साथ थी। लेकिन टीना को देखकर वो इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकी कि टीना की स्किल को उसने बहुत कम आंका था। वो मैगजीन में बहुत अच्छी लग रही थी। वहीं मैगजीन में यूसुफा सिर्फ बैकग्राउंड का पार्ट लग रही थी। 2 दिन के बाद सीक्रेट ने अपनी मैगजीन की सक्सेस पार्टी रखी। यूसुफा और टीना दोनों को इनवाइट किया गया था। इस बार वो दूसरी बार मीडिया के सामने एक साथ आ रहे थे। इससे पहले वो दोनों फोटोशूट के पहले भी एक साथ मीडिया को इंटरव्यू दे चुके थे। उस रात यूसुफा ने ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, जिसका निचला भाग वो फर्श पर घसीटते हुए चल रही थी। वो अभी होटल के बाहर ही प्रणय और प्रीति के साथ खड़ी थी, तभी वहां टीना भी आ गई। जैसे टीना वहां पहुंची, सभी उसकी तरफ दौड़ पड़े। आज टीना ने बिल्कुल व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। फोटोशूट की तुलना में आज दोनों ने बिल्कुल ऑपोजिट ड्रेस पहनी थी। टीना इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। टीना, तुम्हारे एफर्ट की वजह से मेरी एंट्री टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स में हो गई है, इसके लिए थैंक यू सो मच, यूसुफा ने टीना से बात करते हुए कहा। तुम्हें पता है कि इतने कम समय में मुझे कितने लोगों का सपोर्ट मिला है? तो तुम अभी भी खुद को इंटरनेशनल मॉडल बनाने के लिए दूसरों की पब्लिसिटी की मदद ले रही हो, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। यूसुफा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके साथ ही प्रीति भी गुस्से से तमतमा गई। Oh my God, ये इंडियन मॉडल टीना है ना? हाँ, ये टीना ही है। चलो उसका इंटरव्यू करते हैं, जल्दी करो। यूसुफा से बात करने के बाद टीना वहां से आगे बढ़ गई। उसके पास आज इतना वक्त नहीं था कि वो यूसुफा से बहस कर सके। कुछ फॉरेन रिपोर्टर टीना की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। टीना उन्हें अवॉइड करते हुए फटाफट होटल के अंदर चली गई। वहीं यूसुफा की तरफ वहां कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। हमें भी अब चलना चाहिए, प्रणय ने यूसुफा को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। प्रणय अपनी एंगेजमेंट की तैयारी में बहुत बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर कोई भी यूसुफा की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। हालांकि प्रीति को सारी सच्चाई पता थी। माय गॉड, टीना यहां ही है, टीना आ गई है, टीना टीना, जिधर देखो सबके मुंह पर बस टीना का ही नाम था। जैसे ही टीना की एंट्री हुई, सीक्रेट के सेलिब्रेशन डिनर की शुरुआत हो गई। टीना के पीछे पीछे यूसुफा भी आई, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। यूसुफा को थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही मैगजीन के कवर पर दोनों साथ में आए तो सिर्फ एक को ही पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही है? ऐसे में उसे लगा कि टीना बहुत चालाक है, उसने पैसे फेंक कर खुद के फैंस बुलाए हैं। मीना ने स्टेज से ही टीना को देख लिया था।
उसके पीछे उसने यूसुफा को भी देखा। मिस मीना ने ही दोनों को स्टेज पर बुलाया। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। सीक्रेट को टॉप पर पहुंचाने वाली दोनों हीरो हीरोइंस हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी दोनों मॉडल्स टीना और यूसुफा का। टीना का नाम यहाँ पर सब जानते थे, जब से मैगजीन रिलीज हुई है तब से वो काफी फेमस हो चुकी है। लेकिन यूसुफा का नाम सुनकर एक बार के लिए सभी हैरत में पड़ गए। आखिर ये यूसुफा कौन है? यूसुफा का नाम सुनकर वहां खड़े सभी रिपोर्टर्स एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। हालांकि उन्होंने ये मैगजीन हजारों बार देखी थी, लेकिन फ्रंट पेज पर उन्हें टीना के अलावा कोई और नजर ही नहीं आया था। वो तो यूसुफा का नाम भी आज यहाँ पहली बार सुन रहे थे। कौन है ये? अच्छा याद आया, ये वही लड़की है जो टीना के फोटोशूट के सेट का पार्ट थी। अरे वही जो बैकग्राउंड में खड़ी थी, टीना का हाथ पकड़ा हुआ था उसने। तो वो तो टीना के बैकग्राउंड का पार्ट थी ना, तो मॉडल कैसे हो गई? मैंने अभी ध्यान से देखा तब मुझे याद आया, लेकिन ये टीना के साथ यहाँ क्यों खड़ी है? इसको समझ नहीं आ रहा क्या कि वो उस बैकग्राउंड का पार्ट थी? हद है वैसे, देखो कैसे आकर टीना के बगल में खड़ी हो गई है। रिपोर्टर्स के बीच चल रही इन बातों को सुनकर यूसुफा के चेहरे का रंग उतर गया। उसे अभी भी लग रहा था कि टीना ने इन सबको खरीद कर ऐसे बात करने के लिए खड़ा किया है ताकि वो खुद को फेमस कर सके और मेरी बेइज्जती हो। उसने टीना के कानों में जाकर कहा, टीना तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से पैसे की मदद से तुम मुझे गिरा के खुद बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी? सीक्रेट की सक्सेस में मेरा भी बहुत योगदान रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम खुद को बहुत ज्यादा ही महान नहीं समझ रही? टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यूसुफा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उससे अब रहा नहीं गया। उसने स्टेज से ही चिल्लाते हुए रिपोर्टर्स से कहा, तुम लोगों को टीना ने कितने पैसे खिलाए हैं जो उसके इशारों पर यहाँ दुम हिलाते चले आए हो? जैसे यूसुफा ने ये बात बोली, वहां बैठी मीना तो जैसे गुस्से से पागल हो गई। यूसुफा, मैंने तुम्हें यहाँ पर सम्मान देने के लिए बुलाया है और तुम रिपोर्टर से इस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो? यही तुम्हारी तमीज है? कहीं से भी तुम प्रोफेशनल लगते हो?